हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिडिटी यानी गैस के प्रॉब्लम के मेडिसिन के बारे में। यदि आपका भी सीने में जलन होता है, पेट फूला फूला रहता है, खट्टे ढकार आते हैं या गैस की समस्या रहता है, तो इन सारी समस्या को ठीक करने के लिए एक कैप्सूल का उपयोग किया जाता है, बहुत ही बेहतरीन है। तो उस कैप्सूल के बारे में हम जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, जान लेते हैं इसका यूज, इसका डोज, इसका साइड इफेक्ट क्या है। इस मेडिसिन को आप अपने घर पर भी रख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि एसिडिटी होने का कारण क्या होता है। अगर कोई स्पाइसी या फ्राइड या फैटी फूड खाता है, जैसे बाहर का खाना खाता है, बर्गर, पिज्जा, समोसा या तला हुआ खाना खाता है, भुना हुआ खाना खाता है, तो उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके अलावा कोई स्मोक करता है या अल्कोहल का सेवन करता है, तब भी आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। या रात में आप खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, जिससे हमारा खाना अच्छे से पचता नहीं है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, इसके कारण भी हमारा एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। इन सारी समस्या को ठीक करने के लिए जो दवा बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जिसका नाम है पेंटोप डीएसआर। इसका कंपोजिशन की बात करें तो दो कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पेंटाप्राजोल 40 mg मिल जाता है, डोमप्रेडोन इसमें 30 mg मिल जाता है। कंपनी की बात करें तो अरिस्टो कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसकी प्राइस की बात करें तो 210 रुपए में 15 कैप्सूल मिल जाता है अभी के टाइम पे। अब इसका उपयोग जान लेते हैं। इसका उपयोग सीने में जलन, पेट फूला फूला जैसा महसूस होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है या खट्टी ढका रहता है, इन सारी समस्या को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके डोज की बात करें तो इसका ओडी डोज दिया जाता है, इसको बीडी डोज में भी दिया जा सकता है। पेशेंट के कंडीशन के अनुसार इसका डोज दिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनता है तो इसको बीडी डोज में भी दिया जा सकता है। इसके बेहतर रिजल्ट के लिए इसको खाना खाने से 15 मिनट से आधा घंटा पहले इसको खाना चाहिए। अब इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका नॉर्मल से साइड इफेक्ट होता है, जैसे दस्त, पेट में दर्द, मुंह का सूखापन, चक्कर आना या सिर दर्द जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। आज की वीडियो में हमने बात की एसिडिटी से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन दवा के बारे में। इस मेडिसिन को आज के टाइम पर सभी लोग यूज़ करते हैं एसिडिटी को ठीक करने में। इस मेडिसिन को आप अपने घर पर भी रख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छा लगा होगा। यूं ही हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।